जैसे ही पेशावर में हमला करने वाले तालिबान के आतंकवादी मारे गए, वैसे ही जैश ए मोहम्मद ने एक नया टेप जारी किया। इस टेप में हिंदुस्तान के साथ ही पाकिस्तान को भी धमकी दी गई। टेप में मसूद अजहर ने पाकिस्तान को जमकर कोसा। जब यूनिवर्सिटी के बाहर चीख पुकार मची थी, जब खुद नवाज शरीफ और राहिल शरीफ पल पल सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पठानकोट में हुए हमले की साजिश रचने वाला जैश का चीफ अजहर मसूद पाकिस्तान को कोस रहा था। वो पाकिस्तान की सरकार के साथ ही वहां की मीडिया को धमका रहा था। इधर हमारे हुक्मरानों ने इंडिया के दर्द को अपना दर्द बनाकर जालिमाना हरकतें शुरू कर दी हैं और हमारा मीडिया भी इस मौके पर निहायत अफसोसनाक किरदार अदा कर रहा है। जिहाद और मुजाहिदीन पर ऐसे हालात आते रहते हैं। ये हालात जिहाद के लवाजिमात में से हैं। जो मुसलमान भी जिहाद फी सबीलिल्लाह के मुबारक अमल को इख्तियार करता है, वो जानता है कि इस अमल में शहादत भी मिल सकती है और जख्म भी। जैश मोहम्मद के कमांडर अजहर मसूद ने पेशावर हमले के बीच ही एक नया ऑडियो टेप जारी किया, जिसमें उसने पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान सरकार के रुख को खूब कोसा, पाकिस्तान की कार्रवाई को जुल्म करार दिया, लेकिन दावा यह भी किया कि इससे उसके साथियों के हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सुनाते हैं कि जिहाद के नाम पर दुनिया को चलाने की तमन्ना रखने वाले इस दहशतगर्द ने अपने सबसे नए पैगाम में भारत और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ किस कदर जहर उगला है। पठानकोट के वाकया ने ऐसा हंगामा बरपा किया है कि किसी को पता नहीं चल रहा कि वो क्या करे और क्या कहे। एक तरफ इंडिया है, वो जख्मी सांप की तरह फुंकार रहा है। इंडिया में चूंकि फिल्मों का राज है, इसलिए वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के सहाफ़ी और वहाँ के सियासतदान सभी एक्टर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि जंग अलग चीज़ है और फनकारी अलग चीज़। जंग में तो ये हुआ कि चार मुजाहिदीन का मुकाबला हज़ारों फौजियों ने मुश्किल से किया। कई मारे गए, कई जिंदगी भर के लिए माजूर हुए और कई जख्मी। जबकि मीडिया पर इंडियन शेर धमकियां देने से नहीं थक रहे। इधर हमारे हुक्मरानों ने इंडिया के दर्द को अपना दर्द बनाकर जालिमाना हरकतें शुरू कर दी हैं और हमारा मीडिया भी इस मौके पर निहायत अफसोसनाक किरदार अदा कर रहा है। जिहाद और मुजाहिदीन पर ऐसे हालात आते रहते हैं। ये हालात जिहाद के लवाजिमात में से हैं। जो मुसलमान भी जिहाद फी सबीलिल्लाह के मुबारक अमल को इख्तियार करता है, वो जानता है कि इस अमल में शहादत भी मिल सकती है और जख्म भी। गिरफ्तारी भी हो सकती है और माजूरी भी। पाबंदियां भी लग सकती हैं और बदनामियां भी।